नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आस्था रैबिट फार्म के YouTube चैनल पर। और आज जरूरी जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। हम लगातार आपसे ये कह रहे हैं कि रैबिट फार्मिंग बेहद मुनाफे का सौदा है, बेहद फायदे का सौदा है, क्योंकि इसके अंदर नुकसान के जो है दर बेहद कम है और खर्चा भी जो है बहुत ही मामूली सा होता है। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप इनकम सोर्स जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए और चीज़ों में बेहद बड़ा खर्चा होता है, लेकिन रैबिट फार्म में खर्चा बहुत कम होता है। दूसरी बात, जो सिचुएशन है, जो दो महीने से पिछले आप भी देखते आ रहे हैं, लॉकडाउन में हर चीज़ें प्रभावित हुई है, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, क्योंकि पीछे पोल्ट्री फार्म हो गए जो है आगे माल नहीं जा पा रहा था, तो वहाँ भी जो है डेथ हुई है, उन्हें सस्ते भाव में बेचना पड़ा है क्योंकि इतनी उनकी खपत नहीं हो रही थी जितना वो राशन खा रही थी। लेकिन और बड़े धंधे हैं, चाहे वो इलेक्ट्री से लेकर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह का वो जो है संस्थान हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो कहीं ना कहीं बड़ी प्रभावित हुई है। लेकिन प्रभावित नहीं हुआ वो है रैबिट फार्मिंग। हम आपको सिर्फ इसी की जानकारी देंगे क्योंकि हम इस धंधे से जुड़े हुए हैं। रैबिट फार्मिंग में क्या हाल रहे इन दो महीनों में, ये जानने के लिए हमारे साथ रैबिट फार्मर है, रैबिट जो है इन्हें आप रैबिट फार्मिंग के विशेषज्ञ भी कह सकते हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से ये करते आ रहे हैं और बहुत सारे किसानों को रैबिट फार्मिंग की सपोर्ट भी दे रहे हैं। दीपक जी हमारे साथ है। दीपक जी, पिछले दो महीनों में क्या कुछ रहा रैबिट फार्मिंग के बिजनेस में, वो चीज़ें हम जानना चाहेंगे। मैं बता देता हूँ कुलदीप जी, पहले तो मैं अपने सारे दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार बोलता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इन्होंने लगा लो लॉकडाउन में हमारा क्या था कि भाई पोल्ट्री की तरह एक तो ये फीड ज़्यादा नहीं खाते, इनका जो खुराक है वो 40 या 50 ग्राम जो खुराक है वही ये स्पेशल खाते हैं वैसे, और आराम से हमारे को फीड मिल रहा था बिल्कुल। अच्छा, लॉकडाउन में ये चीज़ की हमारे को दिक्कत नहीं आई, ये चीज़ की दिक्कत जरूर आई कि माल हम आगे नहीं भेज पाए जी। कारण ये था कि साधन नहीं चल रहे थे, रस्ते बंद थे सारे के सारे लॉकडाउन की वजह से, ये सारे देश पे विपता है ठीक है, इस वजह से ना लगा लो हमारे को लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं आई, हमारा आराम से माल जा रहा है। तो लॉकडाउन का कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिला, एक बार माल जरूर रुका था लेकिन उसके रुकने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जो खाना खाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर लगा, लेकिन इतना नहीं कि अगर आपने दो महीने भी रोक लिया तो मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा रुपए का फीड ये लोग खा पाए हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने फीड भी नहीं मिल पाता है तो हरा चारा खाते हैं, तो इनको तो हमारा चारा भी डाल सकते हैं। कई मान लो फार्मरों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, मान लो वहाँ नहीं फीड प्रोवाइड हो रहा है, तो अपने हरा चारा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हरा चारा और ये जो जनरल चीजें हैं वो आसानी से आराम से आराम से आराम से है, गेहूं भी ये लोग खाते हैं, जो अपने जगह है दलिया हो गया, सब्जी होगी, बिल्कुल आराम से सारी चीजें खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा बिजनेस है, अगर इस तरह की सिचुएशन आगे भी बनती है, क्योंकि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में रैबिट फार्मिंग पे कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो चलता रहेगा। मान ये है कि 10 दिन लेट हो जाएगा, 15 दिन लेट हो जाएगा, हो सकता है अगर ज़्यादा विपदा आई तो एक महीने लेट हो जाएगा, लेकिन उस एक महीने के ड्यूरेशन में कोई बड़ा नुकसान किसान को नहीं होगा। 5,000 से 10,000 रुपये का फीड जरूर एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि धंधा चौपट हो जाएगा, बड़ा नुकसान होगा और किसान बर्बाद होगा। बिल्कुल यही चीजें हम आपको समझाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि रैबिट फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है, ऐसा एक धंधा है जिससे किसान थोड़ी लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, अधिक पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि और नुकसान का दर भी बेहद कम है। दीपक जी, क्या मैसेज आप किसानों को देना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस दौर से उन्हें बेहतर वो करने के लिए, ग्रो करने के लिए, या जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो यही चीज कहना चाहूंगा, देखो कम लागत है मुनाफा ज्यादा है जी। पहली चीज तो ये है कि भाई खाने का है कि भाई इनका लॉकडाउन के अंदर इनके एक चीज का और फायदा है कि भाई हमारे को दो महीना रखना पड़ गया, तो इनका ये है कि बिकने में इनको कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मुर्गे का अगर वेट बढ़ा लेते हो आप तो बिकने में दिक्कत आती है, ज्यादा उम्र का वो लेते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अपने दर्शकों से सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि भाई आप एक बार आके देखें, समझें, सारी चीज देख के और फिर बिजनेस करें। बिल्कुल, आस्था रैबिट फार्म जींद जिला है हरियाणा का, और जींद जिले में सबसे फेमस जगह है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, उसके जस्ट बगल में स्थित है आस्था रैबिट फार्म। यहाँ आने से पहले आप एक बार
कॉल जरूर करें। आप अगर किसी बाहर दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो अगर आप सूचना देकर आए आपको यहाँ प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा और जो भी व्यवस्था बन पाएगी आपके लिए यहाँ रहने का प्रबंध तक आस्था रैबिट फार्म की तरफ से किया जाएगा। वहीं दूसरी बात, जो पोल्ट्री फार्म इस पूरे वाक्य के दौरान पिछले दो महीने के दौरान जो है चपेट में आए हैं, नुकसान सह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक खास जानकारी है। एक बार आप रैबिट फार्मिंग की जानकारी जरूर ले, देखें कि क्या डिफरेंस है पोल्ट्री फार्मिंग में और रैबिट फार्मिंग में। पोल्ट्री नहीं, सभी फार्मिंग में देखो, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बाकी फार्मिंग है और चीजें हैं, कई ऐसे व्यवसाय हैं, वो लोग रैबिट फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, जो है शेड बना होता है, सिर्फ उन्हें पिंजरे लगाने की जरूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो पोल्ट्री फार्म शुरू किया था, चपेट में आ गए, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसे पड़ी है और उन्होंने वो चीजें छोड़ दी हैं, वो भी रैबिट फार्मिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे? लॉकडाउन में बहुत फार्मरों को नुकसान हुआ है ना, कई तरह के फार्मर थे, जिस तरह अपना पोल्ट्री के हिसाब से तो है ही है, कई और फार्मर भी थे कि भाई जिसका वाल तैयार हो गया, आगे जा नहीं पाया, उसकी वजह से उन्होंने खेतों में भी छोड़ने पड़ गए जी, तो उनकी मजबूरियां थी, ये तो सब पे आई है ये चीजें तो। लेकिन ये चीज हमारे इस पे रैबिट के बिजनेस में नहीं है, क्योंकि रैबिट अगर आपका दो महीने का एक्स्ट्रा भी तैयार हो गया तो वो आराम से जाएगा, क्योंकि वो वेट के हिसाब से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये चीज है। तो बिल्कुल रैबिट फार्मिंग ये व्यवसाय है, इसके बारे में जानकारी जरूर लीजिए, देखिए क्या होता है, क्या सिचुएशन रही, इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम कहते आ रहे हैं कि रैबिट फार्मिंग में नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। अगर इस सिचुएशन में जो दो महीने से चल रही है, अगर इस सिचुएशन भी यहां नुकसान नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फायदेमंद ये सौदा है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।